Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another exciting video. जी हाँ, this video is going to be really exciting one because we are going to talk about our small baby who is going to come now. All right, so this video is all about what you have to carry in your hospital bag, जो भी आप hospital में लेके जाने वाले हैं अपने baby के लिए. So without wasting any further time, let's get into the video directly. Guys, without wasting any further time, let's get directly into the video. मैं आपको randomly सारी चीजें दिखाती रहूंगी, जैसे जैसे मेरे हाथ में आएंगी वैसे मैं आपको दिखाती रहती हूँ. तो सबसे पहले the first and the foremost thing which you have to be very careful while picking up is the clothing set. Okay, so first आप जो भी clothing set लेंगे baby के लिए 4-5 sets आपको लेने चाहिए, because if it's a normal delivery तब भी आपको 2 days रखेंगे hospital में baby के साथ, if everything goes well, and if it's the cesarean also, then they'll keep 3 days. They'll keep you in the hospital for 3 days. Okay, so उसके लिए भी आपको at least 4-5 sets तो होने ही चाहिए baby के लिए. So my recommendation is that मैंने सबसे पूछा, लाइक सब बड़ों से ही पूछा, उन्होंने भी सबने यही बोला दैट यू हैव टू, यू मस्ट कीप समथिंग विच इज सिमिलर टू दिस, लाइक सिमिलर टू दिस इन द सेंस दैट दे हैव, यू नो, सिमिलर टू दिस मीन्स आगे से बटन जो होते हैं ओपन अप शर्ट या टॉप जो भी होता है आपका, वो ओपन अप हो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यू डोंट हैव टू पुट इट लाइक दिस ऑन द बेबी, है ना. तो अगर आप उसको स्लीव से पहनाकर और आगे से बटन अप वाली टी शर्ट या फिर कोई टॉप हो, दैट इज़ वेरी इजी फॉर द फॉर अस टू, यू नो, मेक द बेबी वेयर एट दैट टाइम. सो आई कैप दीज काइंड ऑफ टॉप्स एंड, यू नो, बटन अप वाले ऐसे काइंड ऑफ फुल स्लीव्स है, बिकॉज अब नाउ द वेदर इज चेंजिंग, सो आप फुल स्लीव्स रख सकते हैं. तो फुल स्लीव्स में आप कुछ ऐसा देख सकते हैं जिसमें आगे बटन हो, बटन अप करके आप आराम से बेबी को पहना सकते हैं और जब भी उतारना हो तो उतार सकते हैं. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हैंडी एंड विच इज़ वेरी यूजफुल. एंड ऑल्सो आपको ये चीज़ इसलिए भी ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि अभी बेबी का जो कॉर्ड का कॉर्ड जो होती है वो स्टिल इट्स देयर ऑन बेबी, जब तक वो अपने आप नहीं उतरती तब तक हम उसको नहीं छेड़ते, राइट. सो इसीलिए भी वो ईजी रहेगा बेबी के लिए, बेबी अनकम्फर्टेबल नहीं रहेगा, कोई भी इचिंग कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर इफ़ यू आर गोइंग टू पुट द क्लोथ्स लाइक दिस ऑन बेबी, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ द बॉटम. लोअर जो है आपको ध्यान में इसलिए रखना चाहिए, वैसे तो हॉस्पिटल में मोस्टली ऐसे ही करते कि वो लोअर्स नहीं पहनाते बिकॉज वहाँ पे डायपर होता है और बेबी ऑलरेडी इतना रैप्ड अप होता है और वो टेम्परेचर भी इतना ही मेंटेन करके रखते हैं. बाई चांस आपको इफ इन केस यू हैव टू मेक द बेबी वेयर द बॉटम ऑल्सो, सो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं लाइक पजामा काइंड ऑफ, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग. कॉटन में हो ज़्यादा बेटर है, आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, अगर विंटर्स भी दे आर कमिंग देन ऑल्सो यू कैन, यू नो, हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होगा क्योंकि वो टेम्परेचर ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि वो मेंटेन करके रखते हैं. तो हमें इतना भी बेबी को, यू नो, ठंड ठंड सोच के इतना नहीं कर देना कि बेबी बेचारा, यू नो, पैक्ड ही हो जाए पूरा कम्प्लीटली. वन मोर थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर, जो उसकी इलास्टिक होगा ना दैट शुड नॉट बी, यू नो, इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि बेबी को बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाए उसकी स्किन पे. अभी तो बेबी छोटा सा है, उसकी स्किन में निशान भी नहीं पड़ने चाहिए, यू नो, उसको थोड़ा टाइट टाइट नहीं फील हो. तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दीज काइंड ऑफ, आई कैप्ट दीज काइंड ऑफ कॉटन बॉटम्स. तो ये बहुत ऊपर से भी इतनी इलास्टिक, इतना टाइट नहीं है इसका, तो इट वॉज नाइस. सो आई कैप्ट दीज काइंड ऑफ लोअर्स. सो आपको एटलीस्ट 4-5 सेट्स रखने चाहिए जो कि ज़्यादा, यू नो, वेयर ऑफ भी हो जाए तो आपको इतना प्रॉब्लम या फिर इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, अंदर क्या पहनाना चाहिए आपको इसके. तो वेस्ट, यू कैन गो फॉर कॉटन वेस्ट. सो ये मैंने बेबी हक की कॉटन वेस्ट ली थी, सो इट विल गो फॉर बोथ द बेबीज, लाइक इफ इट्स अ बेबी गर्ल, इफ इट्स अ बेबी बॉय, दोनों के लिए आप इनिशियली तो आप ले सकते हो क्योंकि आपको भी नहीं पता, तो आप ऐसे वेस्ट ले सकते हो. आई गॉट दीज फ्रॉम फर्स्ट क्राई, मोस्ट ऑफ द शॉपिंग विच आई डिड ड्यूरिंग दैट टाइम वॉज फ्रॉम फर्स्ट ट्राई. इवन नाउ डेज अभी भी मैं वहीं से करती हूँ, ऑब्वियसली ईजी हो जाता है, फ़ोन पर सब कुछ करना है, यू नो, ऑनलाइन, एंड ऑब्वियसली इतने सारे स्टोर्स भी हैं फर्स्ट ट्राई के, सो यू कैन गो एंड बाय फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो आप ऐसी वेस्ट ले सकते हो बेबी के लिए, एंड ऑब्वियसली व्हेन इट्स अ विंटर बेबी नाउ, सो आप उसके लिए थर्मल वेस्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इनिशियली आप कैरी कर सकते हो हॉस्पिटल के लिए, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, ये हो गया हमारा अंदर का पार्ट जो आपको उसको पहनाना है. देन कम्स द डाइपर, एक एक करके चलते हैं, ठीक है. डाइपर के लिए आपको न्यूबॉर्न बेबी का डाइपर लेना है, एंड गो फॉर द टेप स्टाइल डाइपर, ठीक है. पैंट स्टाइल, दो तरीके के डाइपर्स होते हैं, एक होता है पैंट स्टाइल और एक होता है टेप स्टाइल. सो आपको पैंट स्टाइल अभी नहीं लेना चाहिए, दिस इज माई पर्सनल सजेशन, कि पैंट स्टाइल लेने से क्या होता है कि आपको नहीं पता ना कि बेबी
का साइज कितना है, और अभी बेली बटन भी होता है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉर्ड अभी नहीं जाती घर, मतलब एटलीस्ट 4-5 डेज तक कॉर्ड रहती है बेबी की, तो इसीलिए आपको एक पैंट स्टाइल को छोड़कर टेप स्टाइल लेना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है तो ये पीछे से थोड़ा इलास्टिक होता है इसमें ऐसा, एंड आगे से इट्स लाइक दिस, इट्स फ्रॉम बेबी हग अगेन। तो इसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बेबी, जितना भी उसका साइज होगा आप उसको फोल्ड कर सकते हो आगे, बेली बटन सपोज यहाँ पर आता है तो उसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो। आपने उसको ऐसे फोल्ड कर लिया, इससे क्या होगा, बेली बटन बीच में नहीं आएगा और बेबी को हर्ट नहीं होगा। सो न्यूबॉर्न डायपर्स बेबी हक के आते हैं, प्रीमियम स्टाइल के बेबी हक के डायपर्स आते हैं, पैम्पर्स के भी आते हैं और बहुत सारी ब्रांड्स हैं उसके भी आते हैं। सो यू कैन चेक आउट एनी ब्रांड अकॉर्डिंग टू योर ओन, यू नो, जो भी आपने रिसर्च करी हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द ओके व्हाट आई कैरी, बिब ले सकते हो आप, ऑब्वियसली बिब हमें चाहिए होती है उस टाइम पर। मैंने बिब कैरी नहीं करी थी, एक आई थिंक एक बिग मैंने, एक या दो बिब मैंने रखी थी, बट मैंने सबसे ज़्यादा ऐसे मसलिन क्लॉथ रखे थे। सो दीज आर स्क्वायर मसलिन क्लॉथ्स, ये मैंने अमेजोन से परचेज किए थे। सो आई गॉट द सेट ऑफ 10 मसलिन क्लॉथ्स लाइक दीज। सो इसमें क्या होता है कि आप इसको बेबी के फेस वाइप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अगर कुछ स्पिल आउट होता है बिब की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, हैंडकरचीफ तो ये ऑलरेडी है ही तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो मल्टी यूज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आई कैरी दीज इंस्टेड ऑफ बिब, आई कैरी दीज, अभी भी मैं बिब की जगह यही यूज़ करती हूँ तो मुझे ये ज़्यादा हैंडी लगते हैं, तो आई यूज़ दीज काइंड ऑफ हैंडकरचीफ। उसके बाद आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, चाहे वो आपका विंटर बेबी है या समर बेबी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑब्वियसली इज द सेट ऑफ मिटन, बूटीज एंड कैप। सो आई गॉट दिस काइंड ऑफ कैप फॉर माई बेबी, उस टाइम क्योंकि समर थी तो ये समरिश कॉटन मटेरियल की कैप है, आप विंटर का थोड़ा मोटा होता है कपड़ा उसके भी ले सकते हैं कैप। देन मिटन्स, मिटन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बेबीज जो होते हैं उनको वूम में ऐसे रहने की आदत होती है तो वो कभी भी अपना फेस पे स्क्रैच कर सकते हैं, यू नो, लग सकती है उनको, तो इसलिए उनके हैंड्स कवर होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली बूटीज, बूटीज भी इंपॉर्टेंट होती है, बट अभी तो आपका बेबी ऑलरेडी इतना ज़्यादा कवर्ड होगा तो देख सकते हो आप अगर आपको यूजफुल लगता है तो, बट यू कैन कैरी वन, ठीक है, कैरी करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। सो व्हाट यू डू, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है खो जाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि कैप के अंदर ही सब कुछ डाल दो ताकि आपको पता है कि कंप्लीट सेट है, आप इसको फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू पिक दिस सेट एंड हो गया काम, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द क्लोथ्स एंड डायपर, नाउ कम्स द कवरिंग पार्ट ऑफ द बेबी। मैंने अपने बेबी को स्वॉडल में कवर किया था, वहाँ पे स्वॉडल ब्लैंकेट बाद में यूज़ किया था, बट मैंने अपने बेबी को एक स्वॉडल में यूज़ कवर किया था। आजकल बहुत तरीके की स्वॉडल्स आ रही हैं। सो दिस इज़ अगेन मसलिन कॉटन क्लॉथ की स्वॉडल है जो कि ऑल वेदर होती है, जो आप विंटर्स में भी समर में भी यूज़ कर सकते हो। समर में तो ऑब्वियसली यूज़ करना इज़ वेरी यूजफुल फॉर दिस, क्योंकि इसको आप एज अ कवर अप भी यूज़ कर सकते हो, मे बी योर फीडिंग एंड यू वॉन्ट टू कवर योर सेल्फ, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और बेबी को रैप अप तो कर बहुत अच्छे से रैप हो जाता है इसमें बेबी। सो आई हैव 2-3 तो मैं लेकर गई थी वहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग ऑफ माई क्लोथ, माई बेबीज क्लोथ्स, तो मैं मैच करके लेकर गई थी, बट 2 आप अपने हॉस्पिटल बैग में 2 कैरी कर सकते हो, रख सकते हो। देन कम्स द आउटर कवरिंग, ये तो आपने उसको रैप अप कर दिया, रैप अप करने के बाद उसको ऊपर से भी कवर करोगे क्योंकि वो वहाँ पर एक कॉट में बेबी को रखेंगे, तो उसके लिए मैंने ब्लैंकेट लिया है, उसके लिए मैंने एक ब्लैंकेट लिया था, ये मैं उस टाइम भी लेकर गई थी, और ऑब्वियसली विंटर बेबी के लिए तो आपको ब्लैंकेट लेना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ ब्लैंकेट जो आप अच्छे से सॉफ्ट मटेरियल हो, बेबी का यू नो स्किन पर हार्श नहीं होना चाहिए, सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए वाइल परचेजिंग और वाइल कीपिंग इट फॉर यू नो वाइल कीपिंग इट फॉर योर हॉस्पिटल बैग स्पेशली। सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्लैंकेट दैट आई हैव। नाउ कम्स द पार्ट फॉर द कॉट, मैंने जो कॉट के लिए यू नो इसको क्या बोलूँगे, इसको वैसे मोस्टली घर में सब बिछौनी बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ये बेबी के जो बेडिंग होता है उसके ऊपर बिछाने के काम आती है। सो दिस इज़ समथिंग विच माई मदर मेड, तो ये उन्होंने, ये हैंडमेड है, सो शी मेड इट, तो ये मैं लेकर गई थी एंड वहाँ थी कॉट के अंदर जो थी, सबसे पहले मैंने ये बिछाया, उसके ऊपर हमने बेबी की बेडिंग रखी थी एंड या बेबी वॉज स्लीपिंग ऑन दैट कॉट विद दिस
यू नो ये बेस था बेसिकली उसका, ये बेस के लिए काम आती है. आप इसको एज अ ड्राई शीट भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर फोम है. एंड टॉकिंग अबाउट ड्राई शीट, आप ड्राई शीट भी लेकर जा सकते हो, बट हॉस्पिटल में आप बेबी को डाइपर्स में ही रखते हो ज़्यादा. उसको आप अभी लंगोट में भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर यू नो, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि बेबी. या वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लंगोट भी यूज़ कर सकते हो बेबी डाइपर्स. आजकल बहुत ज़्यादा क्लॉथ डाइपर्स आ रहे हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. बट इनिशियली आपको क्या करना होता है, ये पता होना चाहिए कि आपके बेबी ने कितनी बार, यू हैव टू मेक अ काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द बेबी हैज़ पास द यूरिन. सो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सो आप यूज़ कर सकते हो, येस. एंड कमिंग आउट ऑफ द लास्ट थिंग, दिस वॉज अबाउट इट. वन लास्ट थिंग विच आई kept for the baby is the baby bottle. ये मैंने 60 ml की छोटी सी glass baby bottle ली थी, feeding bottle ली थी. इसको मैं अच्छे से wash करके गई थी, इसकी nipple को अच्छे से मैंने sterilize कर लिया था. And obviously hospital में जितनी बार ये use होती है उतनी बार वो sterilize भी करते हैं. So आपको नहीं पता, फीडिंग ऑब्वियसली आपको अपनी करानी चाहिए. मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क फॉर द बेबी. बट ड्यूरिंग द यू नो द पीरियड, उस पीरियड में थोड़ा टाइम लग जाता है फीड बेबी को फीड कराने में. बिकॉज इफ सपोज आप मेरी तरह एक न्यू मॉम है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा प्रोसेस को समझने के लिए. सो इसीलिए बेबी को शुड नॉट सफर. तो ये हमने हैंडी रखी है जस्ट फॉर द केस ऑफ एमरजेंसी. ये मैं अभी भी रखती हूँ अपने पास एमरजेंसी के लिए, यू नेवर नो, स्पेशली रात को, है ना. सो आप यूज़ कर सकते हैं. येस, सो दिस वॉज इट अबाउट माई या वन लास्ट थिंग. आप इन सब चीज़ों को रखोगे किसमें? बैग में रख सकते हो. सो दिस इज़ अ बेबी बैग जो मैंने अमेजोन से परचेज किया था. यू कैन गेट द सेम बेबी बैग फ्रॉम अमेजोन फर्स्ट क्राई. नाउ दिस, वॉट इज़ द स्पेशलिटी अबाउट दिस बेबी बैग, आई जस्ट गिव यू द डिस्क्रिप्शन. देखिए, सो दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द बैग. यहाँ से जब हम इसको खोलते हैं, इट हैज़ मैनी पॉकेट्स, बहुत सारे पॉकेट्स हैं. तो ये इसलिए मैंने यूज़ किया ताकि हम यू नो अपने लिए भी इसको कुछ सामान हमें डालना तो हम यूज़ कर सकते हैं बेबी के साथ जाते हुए. सो अपने सामान से याद है इसमें एक लिपस्टिक पड़ी है. सो इट हैज़ वन पॉकेट, आप यहाँ पर देखिए एक पॉकेट इस साइड दी हुई है इस फ्लैप पर. देन यू हैव इंसुलेटेड, यू नो यहाँ पर एक मटेरियल है जो यहाँ पे आप यू कैन कीप योर बॉटल्स. ऑब्वियसली यू हैव टू कीप योर बॉटल्स हेयर, जो कि ठंडी नहीं होंगी, गर्म रहेगी. तो दिस इज़ यूजफुल. इसके बाद इसकी एक साइड पर जिप, यहाँ पर एक पॉकेट है, यहाँ पर है इस साइड जिपर है, ईजिली यहाँ से निकाल सकते हो आप कुछ भी सामान डालें. ये देखो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो. देन इसको जब आपने खोला, अंदर तो बहुत सारा स्पेस ऑब्वियसली है ही. सी यहाँ पर बहुत सारा स्पेस ऑलरेडी है, यहाँ पर बहुत सारा स्पेस अंदर कैरी करने. यहाँ पर मेरी बेबी की यू नो फाइल पड़ी है. सो मैंने बहुत सारा सामान अंदर, कभी मैं अगर इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस दैट व्हाट आर द कंपार्टमेंट्स एंड हाउ यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ बैग. ये हैंड वे बेसिकली हैंडी इसलिए रहता है क्योंकि आपको और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं. इस बैग को उठाया, सारा सामान मैं इसमें ऑलरेडी रखती हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ चाहे मैं बाहर जा रही हूँ. आई जस्ट हैव टू कीप द थिंग्स हेयर. और यू नो वाई, ओ टॉकिंग अबाउट दिस, हाउ कैन आई फॉरगेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जस्ट अ सेकेंड. बेबी वाइप्स मैं कैसे भूल सकती हूँ, बेबी वाइप्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई गॉट दिस फ्रॉम अगेन फर्स्ट क्राई, बेबी हक की है ये. अब तो बेबी हक का खुद का स्टोर है, सो यू कैन गो एंड यू नो गेट द वाइप्स फ्रॉम हेयर. मैंने ये पैक लिया था, कॉम्बोज आते रहते हैं इसके, और फर्स्ट क्राई पर बहुत सेल चलती है. तो यू कैन जस्ट रात को स्पेशली आफ्टर 12 o'clock, 11 o'clock बहुत बढ़िया सेल तो होती है. तो यू कैन जस्ट गो एंड परचेज मैनी थिंग्स. एंड येस, बेबी वाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको फेस करना है साफ, आपको हैंड्स यू नो यू हैव टू जस्ट वाइप ऑफ द पॉटी. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज, राइट. वन थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बेबी के लिए, वो है जिसके अंदर आपने बेबी को एंड में घर में लेकर आना है, एक तो क्लोथ्स चाहिए आपको बेबी के लिए, अच्छे क्लोथ्स होने चाहिए. थोड़े यू नो 4-5 sets तो आपने रखे थे, वो स्टार्टिंग में वहीं रहने के लिए थे. सेट को पहनाकर आप बेबी को घर लेकर आएंगे, दैट वुड बी वेलकमिंग क्लोथ्स, जो बोल सकते हैं आप उनको क्लोथ सेट. तो आपको वो एक रखना है. एंड वन थिंग विच यू हैव टू, अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं वो लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप इतना सारा सामान अगर हॉस्पिटल में एक दिन में लेकर जाना चाहते तो एनीवन फ्रॉम द फैमिली कैन कम एंड ब्रिंग दिस काइंड ऑफ बेबी कैरियर, बोल सकते हो आप इसको. दिस इज अ काइंड ऑफ अ बेबी कैरियर. इसको हम कैसे यूज करते हैं, सो इट इज लाइक ही जिपर होता है, यहाँ से खुला. बहुत कोजी होता है इसमें बेबी, और यहाँ से भी यू नो जिप है, तो आप इसको ऐसे करके खोल सकते हो. तो इट इज लाइक ये कंप्लीट खुल गया.
अब यहाँ पर आपने बेबी को ऐसे है, आपने बेबी को यहाँ पे सुलाया, उसके बाद यू कैप द बेबी इन साइड एंड जिप अप फ्रॉम वन साइड यहाँ से एंड जिप अप फ्रॉम द अदर साइड यहाँ से, ऊपर से भी इसको जिप अप कर दीजिए एंड ये हो गया कैरियर. सो दिस काइंड ऑफ कैरियर इज वेरी 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 हैंडी फॉर यू. आप बेबी को इसमें आराम से कैरी करके इसके अंदर, और बेबी कोजी रहेगा, ठंड नहीं लगेगी उसको. येस, बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है, मौसम ठंड का आ रहा है, सो आप उसको इस, और इवन अगर आप साउथ में रहते हैं इंडिया में, इफ़ यू आर इन साउथ और इफ़ यू आर इन नॉर्थ कहीं पर भी हैं, तो आपको ये कैरी करना है बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट. सो येस, this I just end up with the things that you have to carry for the baby for the hospital bag. And yes, do not forget, aap sari cheeze apni aur apni cheeze aapki jo apni cheeze hongi, the things that you will carry for yourself mothers, so वो आप, मैंने जो स्पेशली किया था, दोनों को एक ही बैग में रखा था, अपना और अपने बेबी का सामान एक ही बैग में रखा था सूटकेस में, और मैं ले गई थी ताकि मुझे ज़्यादा यू नो बैग्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. सो यू जस्ट वन थिंग दैट आई हैव टू कैरी एंड दैट्स इट. सो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन व्हाट यू हैव टू कैरी फॉर योर सेल्फ ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर द हॉस्पिटल. सो येस, विद दिस आई वाइंड अप द वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो. इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है हम सबकी लाइफ में, ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू फेज ऑफ लाइफ जो भी वुड बी मदर्स हैं, एंड गॉड ब्लेस द चिल्ड्रन ऑल्सो द बेबीज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई अदर वीडियोज ऑल्सो, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी बिकॉज नाउ आई कैन फाइंड आउट दैट मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज बट दे आर नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई just request all of you to please subscribe to my channel. Grateful to all of you like always. So yes, I'll see you in the next one. Till then, sab apna khayal rakhiye and I'll see you in the next one.